ये वाकई हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल अब वक्त आ रहा है। मैं अपनी सारी कौम के सामने ये चीज कहना चाहता हूँ, सबसे पहले घबराना नहीं। अफगानिस्तान ये वाकई हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल अब वक्त आ रहा है। मैं अपनी सारी कौम के सामने ये चीज कहना चाहता हूं, हमने जितनी को और अब ये भी मैं कह दूं कि हमारा जो अब जो हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो एक ही अफगानिस्तान, वो भी शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज्यादा खून ना होता। शुक्र आप आ गए हैं, लेकिन हम तो उससे पहले हमें इस चीज पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो जानते हैं अफगानियों को, हमारे भाई हैं, हमें इनकी तारीख पता है। कभी अफगानिस्तान ने बाहर से इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं की, चाहे वो अंग्रेजों का देख लेते 19 सेंचुरी में, चाहे रूसियों का देख लें सोवियट्स का, और चाहे ये जो इतनी लंबी सारी अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी जंग के बाद वो भी इस नतीजे पे पहुंच गए कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं था। हमें अगर हम प्रोएक्टिव होते, हम उस वक्त एक खुददार हुकूमत खड़ी होकर कहती कि यह आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अगर हम करते हम उनको बचा लेते, उधर से भी खून को बचा लेते जो हुआ है वहां अफगानियों का, और दूसरी तरफ इनको भी एक बेहतर टाइम पे ये निकल सकते थे। अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पर ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पर लाए, सिवाय कि उनके कोई खानदान यहां बसे हुए हैं, क्या उनके खानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें, क्या करें? और पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है और पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। लेकिन इसके बाद जब वो डेट दे चुके हैं, इससे ज्यादा हम लीवरेज क्या करें? और मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं प्रेसिडेंट गनी को भी मिला हूं, मैं उनके अफगानिस्तान भी गया, उनके यहां भी लीडर्स को मिला, मैं उनको समझा के ये कह चुका हूं कि हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में इस वक्त अमन हो, हम आगे इकोनॉमी का सोच रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया का सोच रहे हैं, हमारी रीजनल हमारी टाइज है ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ रेलवे हम बन रहे हैं, हम तो आगे का सोच रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते हैं, जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। आप